हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको स्टॉक क्रिएशन, अल्टरेशन, डिलीशन एंड गोडाउन क्रिएशन एंड स्टॉक ट्रांसफर के बारे में सिखाया था। आज की क्लास में मैं उन्हीं टॉपिक्स पर एक असाइनमेंट को सॉल्व करने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट को ओपन कर लेंगे। तो यह है असाइनमेंट 3। तो सबसे पहले क्रिएट अ कंपनी एज नेम क्लास 3 असाइनमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विद फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक कंपनी को क्रिएट करना है जिसका नाम रखना है हमें क्लास 3 असाइनमेंट और इन ओपनिंग बैलेंसेस के साथ जो आपको नीचे दिए गए हैं। लाइबिलिटीज हैं जिसमें कुछ और कुछ असेट्स हैं। तो ये बैलेंस शीट हमें इन लेजर के ओपनिंग बैलेंसेस के साथ टैली में तैयार करनी है। तो मैं आपको टैली में ये शो कर देती हूँ। हमने पहले से ही क्लास 3 असाइनमेंट नाम की कंपनी को क्रिएट किया हुआ है और इसमें जो लेजर बैलेंसेस हैं अकाउंट्स इन्फो में वो मैंने तैयार किए हुए हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं ये सभी लेजर्स मैंने पहले से ही क्रिएट कर लिए हैं विद देयर ओपनिंग बैलेंसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं इस असाइनमेंट में और इसको कंटिन्यू करते हैं। द ओपनिंग स्टॉक आइटम डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो ये ओपनिंग स्टॉक आइटम डिटेल्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले जिसमें टीवी है दो तरह के, एलईडी टीवी और एलसीडी टीवी। तो इनको हम स्टॉक ग्रुप्स मानेंगे और क्रिएट करेंगे टैली में। स्क्रीन साइज है इसमें जिसमें सैमसंग, एलजी एंड सोनी के टीवी के साइजेस दिए गए हैं, इसे हम स्टॉक कैटेगरी में क्रिएट करेंगे। एंड थर्ड वन इज मॉडल नंबर जिसे हम स्टॉक आइटम में टैली में क्रिएट करेंगे। उसमें क्वांटिटी है पीसीज में और उसके गोडाउन के नाम है जो हम गोडाउन क्रिएशन में क्रिएट करेंगे एंड इनके रेट है। तो चलिए अब हम टैली में चलते हैं और वन बाय वन इन सभी चीजों को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे क्योंकि हम स्टॉक क्रिएट करने वाले हैं। स्टॉक ग्रुप्स हम क्रिएट करने वाले, तो स्टॉक ग्रुप्स में हम जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। हम बनाएंगे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप एलईडी टीवी एंड सेकेंड ग्रुप हम बनाएंगे यहाँ पे एलसीडी टीवी। ठीक है, अब हम एस्केप प्रेस करेंगे यहाँ पे और फिर से हम चलते हैं अपने असाइनमेंट पे। सेकेंड है स्क्रीन साइज जिसको हम स्टॉक कैटेगरी में रखने वाले हैं, बट यहाँ पे आप टैली में देख सकते हैं स्टॉक कैटेगरी आपको बाय डिफॉल्ट शो नहीं हो रहा है, इसे हमें इनेबल करना होता है। इनेबल करने के लिए हम फिर से एस्केप प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और प्रेस करेंगे F11 की को अपने कीबोर्ड से। इन्वेंट्री फीचर्स पे हम जाएंगे और यहाँ से स्टॉक कैटेगरी का जो ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी उसको हम यस कर देंगे एंड एंटर एंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये देखिए एक्सेप्ट हो गया। तो हम एस्केप प्रेस करेंगे और फिर से इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। तो देखिए स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन मेरे सामने आ गया है, तो इस पे चलते हैं। स्टॉक कैटेगरी अब हम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे अब हम कैटेगरीज चेक करते हैं कौन कौन सी है। सैमसंग के टीवी की 22 इंचेस, 32 इंचेस एंड 40 इंचेस की कैटेगरी है। एलजी की 22 एंड 32 है और सोनी की 22, 32 एंड 40 तीनों है। तो ये कैटेगरी हम वन बाय वन तैयार कर लेते हैं। सैमसंग 22 इंचेस, सैमसंग 32 इंचेस एंड सैमसंग 40 इंचेस, देन एलजी 22 इंचेस, देन अगेन एलजी 32 इंचेस, देन सोनी सबसे पहले 22 इंचेस, देन सोनी 32 इंचेस, उसके बाद फिर से सोनी 40 इंचेस। देखिए मैंने सभी कैटेगरी क्रिएट कर ली है टैली में। एस्केप प्रेस करेंगे फिर से। अब असाइनमेंट पे चलते हैं। थर्ड वन जो हमें बनाना है वो बनाना है स्टॉक आइटम्स। तो इन सभी मॉडल नंबर के साथ हम स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे वन बाय वन। और यहाँ पे
गोडाउन क्रिएशन भी है, गोडाउन स्ट्रैंड रोड एंड तारातेला, दो गोडाउन आपको शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम गोडाउन ही बना लेते हैं। स्केप प्रेस करेंगे हम, यहाँ पे टैली में जाएंगे, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देखिए गोडाउन क्रिएशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा। तो फिर से हम एस्केप प्रेस करेंगे और यहाँ पे F11 को प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स पे हम जाएंगे और मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इस ऑप्शन को हम यहाँ से यस कर देंगे, एंटर एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाइए, देखिए अब यहाँ पे आपको गोडाउन का ऑप्शन भी शो होने लग गया है इन्वेंट्री इन्फो में। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, क्रिएट करेंगे, दो यहाँ पे गोडाउन आपको शो हो रहे हैं। तो ये हम स्टॉक आइटम से पहले गोडाउन को ही क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रैंड रोड गोडाउन एंड तारातेला गोडाउन, तो ये हम बना लेंगे गोडाउन, स्ट्रैंड रोड एंड तारातेला गोडाउन, ये मैंने गोडाउन क्रिएशन कर लिया। अब एस्केप प्रेस करेंगे फिर से और यहाँ पे जो यूनिट्स दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है टीवीएस की, वो पीसेस में दी हुई है, तो हम ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी यहाँ पे तैयार कर लेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे, पीसेस में है ये, तो हम यहाँ पे पीसेस में तैयार कर लेंगे। ठीक है, यूनिट क्रिएशन भी हमारा हो चुका है। अब एस्केप प्रेस करके लास्ट हमारी स्टॉक आइटम्स हम तैयार कर लेते हैं, स्टॉक आइटम्स क्रिएट। अब हम एक एक करके स्टॉक आइटम यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। सैमसंग 22 इंच में UA22D50 एंड 3 पीसेस 2900 के हिसाब से ये हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, UA22D50 एंड अंडर आ रहा है ये एलईडी टीवी के, कैटेगरी हमने बनाई हुई है, कैटेगरी है ये सैमसंग 22 इंच की, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सैमसंग का 22 इंच का टीवी। और यहाँ पे यूनिट्स भी हमने बना रखी है पीसीज में, अभी भी बनाई है, अगर आपने नहीं बना रखी तो आप यहाँ से भी ऑल्ट प्लस सी करके नए यूनिट तैयार कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 पीसेस 2900 के हिसाब से, 3 पीसेस ये देखिए गोडाउन अभी अभी हमने क्रिएट करे हैं, उसकी लिस्ट हमारी शो हो गई है, तो हम ये लेंगे यहाँ पे स्ट्रैंड रोड गोडाउन 3 पीसेस 2900 के हिसाब से, एंटर। ये देखिए एक स्टॉक आइटम हमारी तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट LG 22 इंच की कैटेगरी में 22LE 53000, डबल टू LE 53000 LED टीवी, LG 22 इंच पीसेस। हम यहाँ पे क्वांटिटी देख लेते हैं इसकी, 4 पीसेस 19790 के हिसाब से, 4 पीसेस स्टैंड रोड गोडाउन 19790 के हिसाब से, एंटर। इसी तरह नेक्स्ट हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, KDL22E420, KDL22E420 एलईडी टीवी में आ रहा है भी, और सोनी का 22 इंच पीसेस। अब हम यहाँ पे इसके क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, 2 पीसेस 2900 के हिसाब से, 2 पीसेस स्टैंड रोड गोडाउन 2900 के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेंगे इसे भी। ऐसे ही हम इन सभी स्टॉक आइटम को एक एक करके क्रिएट करते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में सभी स्टॉक आइटम्स हमने क्रिएट कर लिए हैं इन टीवी के साइजेस के हिसाब से। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसी असाइनमेंट को कंटिन्यू करेंगे। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो।